देश और प्रदेश की भाजपा हुकूमत ने नाकामियों की सारी हदें पार कर दी हैं। लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। सरकार अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के चक्कर में गरीबों मध्यम वर्ग की समस्याओं को भूल गई है और लोगों का ध्यान बांटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून ला रही है, जबकि बीजेपी के 40% से अधिक MP MLA ऐसे हैं जिनके पास 3 से अधिक बच्चे हैं। उपर्युक्त बातें शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने पार्टी के नेता स्वर्गीय हाजी नूरुल बशर अंसारी के अहमरपट्टी स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपर्युक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बशर साहब बच्चे जनसेवक व समर्पित उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बशर साहब सच्चे जनसेवक व समर्पित नेता थे। उनके आदर्शों पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। महंगाई इस कदर हो गई कि लोगों को सरसों तेल 200 व पेट्रोल डीजल 90 से 100 रुपए तक खरीदना पड़ रहा है। और तो और सच्चाई छापने व दिखाने वाले मीडिया के ऊपर भी छापेमारी कर कलम की आवाज़ को दबाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु उन्हें मालूम नहीं कि 2024 में केंद्र व 2022 में प्रदेश की सरकार को गरीबों की हार के कारण हमेशा के लिए चली जाएगी। बसपा द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन के सवाल पर कहा कि जो पार्टी 4.5 वर्ष तक बीजेपी का समर्थन करने में लगी रही या संघर्ष के रास्ते से भटक गई, वो कोई भी सम्मेलन करा ले उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जनता सब कुछ जान चुकी है। इस अवसर पर स्वर्गीय हाजी नूरुल बशर अंसारी के पुत्र सपा नेता बद्रुद्दुजा उर्फ बबलू अंसारी ने राष्ट्रीय सचिव राजीव राय का स्वागत किया। आपने हमारी बात कह दी, वही हम भी कह रहे हैं कि इनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप याद करिएगा, पहले साल ही जब इनका निवेश सम्मेलन किए थे तो 500 करोड़ रुपए का, 5000 करोड़ रुपए का। मैं आज भी योगी से पूछता हूँ, हे योगी जी, जो हजारों करोड़ रुपए आपने निवेश करवाए हैं उसका कोई दीवार भी ऊपर खड़ा होगा, समाजवादी भी जाकर माथा टेका है। हम तो यही जानते हैं कि अगर आप भी और आपकी पार्टी के नेता आज भी दिल्ली जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की बनाई सड़कों से भी गुजरते हैं। आपके पास अपना कहने को कुछ नहीं है। आज कोरोना की पिछले चालों की बात कर रहा है, अभी भी कहीं भी अस्पताल खोलने की बात नहीं आ रही है, बेड नहीं बढ़ाया जा रहा है और इसमें लापरवाही बरती जा रही है। आप उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जिसने इतना बड़ा क्रूर मजाक किया कि दिल्ली के सदन में खड़ा होकर सरकार कह देती है कि किसी देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। लोग खोज रहे हैं जिस सरकार के खुद के सांसद विधायक मंत्री टॉप टॉप कर मर गए हो, ऐसे निष्ठुर निर्दयी निकम्मी और नालायक सरकार से आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि कुछ जनहित के कार्य करेंगी। नाम बदलना, अहंकार में बोलना और अहंकार का अंत हो गया। आप तो देख रहे हैं अभी तक तो हम ही लोग शिकार थे, अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पर भी हमला शुरू हो गया है। जो विपक्ष में आवाज उठाता है उसके ऊपर ईडी और CBI और इनकम टैक्स का रेड पड़ता है। तो देश जाग चुका है और ये जब चिराग बुझता है तो तेजी से भड़कता है। ये फाड़ बता रहे हैं बुझने वाले हैं। मुद्दों का संघर्ष करने खेल जो है बसपा, हालांकि जो है इसके पास संघर्ष करना चाहिए। ये ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं इस समय, इसका आपको क्या कहना? योगी जी को चुनाव का समय जनगणना याद आई, चुनाव से पहले बहन जी को ब्राह्मण याद आए। समाजवादी है जो पहले दिन से उसको सिर्फ ये याद रहता है कि जरूरत में कैसे खड़ा हो, कैसे जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया जाए। तो जनता सब जानती है, जनता किसी के पास नहीं आने वाली। जो 4.5 साल तक जो अपने घरों में बैठे रहे, 4.5 साल तक जो दमन करते रहे, 4.5 साल दमन करने वाले को जो समर्थन करते रहे, उनका जवाब इस चुनाव में जनता आगे है, नेता पीछे है। बाल कुमार मोदी जी का पिछले दिन कुछ बयान आया था कि जो समाजवादी पार्टी को जो चुनाव हराएगा उसी को बसपा समर्थन करेगी, इस पर क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से जो भी कराता है गांधी बेचारी पढ़ देती है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। उनका तो बहुत पहले से रहे, आपको पता नहीं आजादी से पहले, आपको जानकारी है कि नहीं, आजादी से पहले यूनाइटेड बंगाल में जो मुस्लिम लीग की सरकार थी उसमें भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। तो ये मोहब्बत आजादी से पहले का है, जगह जगह वक्त वक्त पर अपना रंग दिखाता है, फिर वो मोहब्बत रंग दिखा रहा है। अकेली सरकार है, अकेली राजनीतिक पार्टी है जो आजादी से पहले की सरकार में जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे और इन दोनों ने लिखकर जब 1942 से बलिया की धरती भी क्रांति कर रही थी, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, जिन्होंने लिख कर दिया था कि अंग्रेजों को कुचल दो, इस आंदोलन को आपका रहना बहुत जरूरी है। तो ऐतिहासिक मोहब्बत है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे लोगों से क्या कर खुंडन करना। सर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभवन का बयान आ रहा है कि 5
साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लोकतांत्रिक देश है, हर महीने बनाए उसमें उसको कौन रोक सकता है? जनता जो उसको आशीर्वाद देगी, जिस मुद्दे पर आशीर्वाद देगी, वो अपना कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद।